दोषी वली उल्ला को गाजियाबाद के जिला जज जितेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने सजा सुना दी है। फांसी और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कड़ी सुरक्षा के पीछे सजा सुनाई गई, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला जज की अदालत में। हालांकि मीडिया को भी प्रवेश की इजाजत नहीं थी, लेकिन इस समय की बड़ी खबर यह है कि दोषी वली उल्ला को सीरियल ब्लास्ट मामले में वाराणसी में सजा सुना दी गई है। 18 लोगों की जान गई थी सीरियल ब्लास्ट में। काफी वक्त से तुम्हारी काशी में सुकून है, ना कोई धमाका ना दंगे, लेकिन इसे अपनी कामयाबी मत समझ लेना। अब सुनो, बहुत जल्दी तुम्हारे शहर का सुकून जाने वाला है। हमने फिर से काशी को दहलाने का फैसला किया है और इसकी मुकम्मल तैयारी कर ली है। इसे सिर्फ धमकी नहीं, चैलेंज समझना। दम है तो रोक लो। प्रशासन और पुलिस दोनों को यह खुला चैलेंज है। सर, मे भी हो सकता है किसी सरफिरे ने बस सनसनी फैलाने के लिए बात कही हो। अगर सनसनी फैलाना उनका उद्देश्य होता तो न्यूज़पेपर को, पुलिस हेडक्वार्टर को मेल देते। पर्सनली मुझे मेल देने का मतलब क्या है? समझे नहीं सर। मेल कहां से आया हम ट्रेस कर लेंगे। इसके बावजूद भी मुझे पर्सनली मेल किया, ये उनका कॉन्फिडेंस दिखाता है। मुझे पर्सनली मेल करने का मतलब है ये पर्सनली हमें चैलेंज करना, क्योंकि पिछली बार हमने उनको महादेव का प्रसाद बहुत अच्छे से दिया था। जय हिंद सर। जय हिंद सर। ये जो मेल आया आपको, मैंने चेक किया, ये जम्मू कश्मीर के किसी सांबा इलाके से आया। ये तो मुझे मालूम ही था। जम्मू से जितनी भी हेल्प लेनी होगी वो मैं ले लूंगा। आप लोग फील्ड संभालिए।
और जितने भी पहले के सस्पेक्टेड हैं टेररिस्ट अटैक में, उन सब के ऊपर नजर रखो। जरा सा भी इधर उधर दिखे उठा लाओ सालों को, एक एक को इंट्रोगेट करिए और मुझे बताइए। यस सर। जय हिंद सर। जय हिंद। और तुम शहर के सारे सीसीटीवी कैमरास हैक कर लो और हैक करके मुझे रिपोर्ट करो। हेलो राजन सर। जय हिंद सर। सर मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, मुझे ये मामला जो है हबीबुल्ला के फांसी से रिलेटेड लग रहा है। हाँ सर। सर पिछले केस में जो एक्सप्लोसिव मटेरियल हमने बरामद किया था जिस एरिया से, उस एरिया में मुझे कुछ ग्रुप एक्टिविटी दिख रही है। मुझे ऐसा लगता है सर आपको वहाँ जाना चाहिए जल्द से जल्द। सर जिहाद एक पॉलिटिकल वर्ड, समाज में ऐसा कुछ भी नहीं। इसे हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत पैदा करने के लिए एक सियासी दल ने इजाद किया है। यहां मामला सिर्फ लफ्ज़ का है, जिहाद का नहीं। अच्छा, तो फिर सलीम अपनी पहचान छुपाकर संजय बनकर लफ्ज़ क्यों करता है? जो ऐसा करता है गलत करता है, वो मुजरिम है वो, और मुजरिम का कोई मजहब नहीं होता। अरे वाह, फिर संजय अपने असली रूप सलीम के वेश में आकर के उस हिंदू लड़की सीमा को सहराज बनने के लिए मजबूर क्यों करता है? जबकि आपके कहे अनुसार उसका तो कोई मजहब ही नहीं है। आप लोग हर बात को मजहब से जोड़कर राजनीति करते हैं। सिर्फ देखिए, विक्टिम कार्ड खेलना छोड़ दीजिए। अगर बात उल्टी हो तो, कहीं लड़का हिंदू और लड़की मुस्लिम हो जाए तो? जबान पे लगाम दीजिए जनाब, चिल्लाइए मत। हमारे मजहब में गैर मजहब में रिश्ता कबूल नहीं हुआ। जब बात अपनी पर आई तो आपको मिर्ची लग रही है? देखिए देखिए जनाब, इन्हें किस तरीके से मिर्ची लग रही है। ये न्यूज चैनल वाले भी ना फालतू की बकवास करते रहते हैं। जिस बात का हमारा मजहब इजाजत नहीं देता, उसे हमें कोई कैसे जबरदस्ती मनवा सकता है? सलाम भाई। सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत है? नहीं जी। अब्बू
मैं कॉलेज जा रही हूँ। जा, लेकिन सुन। हाँ जी अब्बू। बाहर जाते समय एक बात का हमेशा ख्याल रखना बेटा, ये हिजाब हमेशा लगाए रखना, ये तुम्हारी हिफाजत करेगा। जी अब्बू, ख्याल रखूंगी। और वैसे भी मुझे सिर्फ पढ़ाई से मतलब है। अरे नहीं जी, वो दुबई वाला माल जो बात हुई थी वो माल भेज दिया क्या? हाँ, दुबई वाला माल तो चला गया और दो चार दिन के अंदर पेमेंट भी आ जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए भाईजान। क्या सना, कितना देर? मुझे माफ करना, सॉरी। जरा प्लास देना। ये लो भाईजान। नसीम भाई, आज चलने का है ना? देखो प्लान कैंसिल मत करना। अरे काम धाम कैसे करूंगा, डिलीवरी देना है आज। ये अब्दुल है ना, ये सब संभाल लेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, बस 10 मिनट में। वो देख फिर से आने खोल रहा है। अपने प्यार के जार का जुगाड़ ढूंढिए ना, कब तक ऐसे चुपचाप खामोश रहेंगे? हिम्मत ही नहीं पड़ता, क्या करें? थोड़ा हिम्मत जुटाइए भाई और जल्दी जार कीजिए अपने प्यार का। भाई सना। चलो प्यार की पढ़ाई करने बैठो। खूबसूरत नजारा है। हाँ खूबसूरत तो है, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। सना, मैं इस मोमेंट को कैमरे में कैद करना चाहता हूँ। क्या हुआ सना? ये सिर्फ मेरे पास रहेगा और किसी के पास नहीं।
अब कब मिलेंगे? या अल्लाह, ये नसीम यहाँ पर कैसे है?